बच्चों आज हम गिनती 1 से 20 अंकों में कैसे लिखी जाती है और संख्याओं में कैसे लिखी जाती है उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए इंग्लिश अंग्रेजी में तो गिनतियाँ आप बड़े आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जब हिंदी में लिखने की बारी आती है गिनतियों को, तो या तो आप गिनती लिख लेते हैं लेकिन संख्याओं को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये है संख्या एक, और इसे शब्दों में लिखेंगे हम ए से एडी और क, ए क एक। तो हिंदी को हिंदी में संख्याएं और शब्द दोनों में आपको हिंदी गिनती आनी चाहिए। द ओ की मात्रा बना है दो। देखिए दो संख्या कैसे हम लिखते हैं हिंदी में, ये है तीन संख्या, और त में बड़ी की मात्रा डालिए, ती और न तीन। बच्चों ध्यान से संख्याओं को पहचानिए और शब्दों का उच्चारण जो है सही से करिए, तब आप पहचान पाएंगे गिनती हिंदी की। ये चार है बच्चों, और लिखते कैसे हैं, च में बड़ा की मात्रा और र चार। अगली संख्या जो आ रही है वो है पाँच, प में बड़ा की मात्रा और उसमें चंद्र बिंदु लगेगी पाँच। ये छह संख्या है, और छह संख्या को हम छतरी वाला छ में विसर्ग लगेगा तो छ बनता है छ। उच्चारण सही ढंग से करते जाइए बच्चों, वरना जब उच्चारण गलत रहेगा आपका तो हिंदी की संख्या जो है उसका जो शब्द में आप जब लिखेंगे शब्दों में तो गलत हो जाएगा। ये सात है बच्चों, सात, सा में बड़ा की मात्रा और त सात। संख्या आठ ध्यानपूर्वक देखिए कैसे लिखते हैं, शब्द में लिखेंगे बड़ा आ और ठ आठ। बच्चों नेक्स्ट है हमारा नौ, न ओ की मात्रा नौ। दस, द और स दस, लेकिन यहाँ बस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि 20 तक हम आपको सिखाएंगे आज। 11, अब एक तो आपने बनाना सीख लिया है, एक और एक दो बार एक लिखिए 11। ग में हलंत डाल सकते हैं आप, य बड़ा आ र और ह 11। ये 12 है, एक और दो लिखना आता है आपको, बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। बा, बा में बड़ा की मात्रा दीजिए और र और ह 12। 13, और 13 कैसे लिखेंगे संख्या में, एक और तीन 13। तो जब आप 1, 2, 3, 9 तक सीख लेंगे बच्चों तो बड़े आसानी से आप बाकी संख्याएं भी लिख सकते हैं, बस उसको शब्दों में कैसे बोलना है वो ध्यान रखना चाहिए। 14, ये संख्या आपकी 14 है, और लिखेंगे कैसे, च में ओ की मात्रा द और ह 14। ये संख्या आपकी 15 है, एक और पाँच, अब पाँच से बनाना आता है आपको बच्चों, तो प में अन की मात्रा द में र और ह 15। देखिए द ह 14 15। अब सा में ओ की मात्रा ल और ह 16। एक और सात है बच्चों ये, तो ये बनता है 17, त्र और ह स त्र और ह 17। एक और आठ है बच्चों, आठ तो पहचानते होंगे आप, इसके पहले हमने जब 1, 2, 3, 4, 10 तक लिखा था
इसको बोलेंगे अठारह। अ छोटा, ठ में बड़ा की मात्रा, र और ह, अठारह। एक और नौ संख्या है ये, तो 19 बनेगा बच्चों, 19। बड़ा न, न में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, 19। आधा न, पूरा न, उसमें बड़ी की मात्रा, तब बनेगा 19। ये संख्या 20 है बच्चों, 2 और 0 0, तो 2 और 0 मिलके 20 बन रहा है। ब में बड़ी की मात्रा और स, 20। आशा करते हैं गिनतियां आप समझ गए होंगे। जब आप 0 से 9 तक समझ जाएंगे तो आसानी से आप आगे भी गिनतियां संख्याओं में लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में कठिनाई होती है, उसका ज़रूर एक बार अभ्यास करें। धन्यवाद बच्चों, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।